नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोनस देने वाली कंपनियों के बारे में जो आगे आने वाले समय में बोनस आपको दे सकती है। दोस्तों, बोनस देने का ये बेनिफिट होता है कि आपका शेयर जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब आपका शेयर मल्टीप्लाई में बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो ये मैजिक अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं जिसमें हमने इस मैजिक फार्मूला के बारे में बताया है, और आप हमारे चैनल पर जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बोनस के मैजिक को बताया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बताएं, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोनस देने वाली कंपनियां है उसका लिस्ट मैंने तैयार किया है। इसमें आपको 21 कंपनियों के बारे में हमने बताया है, और भी सारी कंपनियां हो सकती है जो आगे आने वाले समय में आपको बोनस दे सकती है। तो बोनस जो देने का मुख्य क्राइटेरिया है कि कंपनी के पास रिजर्व कैश होना चाहिए, मतलब कैश और सरप्लस होना चाहिए। तो वो सारी कंपनियों के कैश और रिजर्व को भी मैंने यहां पर लिखा है जिनके पास कैश और रिजर्व है। तो इन कंपनियों के कैश और रिजर्व भी हम आपको बताएंगे, और जो कंपनियों का पी रेशियो है, मतलब अभी कंपनियां पी रेशियो के आधार पर महंगा है या सस्ता है, ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली जो कंपनी है आप देख सकते हैं वो है इंफोसिस। दोस्तों, इंफोसिस के पास कैश और रिजर्व जो है 73,667 करोड़ है। समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके पास कैश और रिजर्व है। इसलिए जो आईटी कंपनी है आपको ज़्यादातर बोनस देती है। और पी रेशियो इसका देख सकते हैं 20 का है, डेप्ट बिल्कुल फ्री है, डेप्ट फ्री कंपनियां हैं। 2-4 करोड़ हो तो ऐसे ऐसे कंपनियों के पास 2-4 करोड़ वो डेप्ट नहीं होता है, वो लाइबिलिटीज होता है, मतलब वो अगले क्वार्टर में रिमूव कर देता है। ऐसे कंपनियों जिसके पास इतना रिजर्व हो तो 2-4 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। ऊपर से इसका सेल्स और रेवेन्यू भी बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद TCS देखते हैं 78,817 करोड़, तो बहुत ही ज़्यादा है इसके पास। तो इन्फोसिस से भी ज़्यादा रिजर्व है, और इसका पी रेशियो है 24, तो इन्फोसिस से थोड़ा ज़्यादा महंगा पी पर है। उसके बाद हमारा है ITC देख सकते हैं 58,493 करोड़ इसके पास कैश और रिजर्व है, और इसका पी रेशियो मात्र 15 का है। तो समझ सकते हैं ये कंपनियां बहुत ही कैश रिच कंपनियां हैं। तो वैसे कंपनियां ही आपको बोनस देती हैं जो कैश रिच कंपनियां होती है। कैश रिच कंपनी आपको बोनस देगी, साथ साथ कभी कभी वो स्टॉक भी स्प्लिट करती है, तो स्टॉक स्प्लिट से भी आपको फायदा होता है। वो भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बोनस के जैसा ही काम करता है। अगर 10-5 फेस वैल्यू स्प्लिट किया जाए तो आपको 1-1 शेयर फ्री दिया जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट होने से भी फायदा होता है कि आपका बोनस उसी रेशियो में मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद है SCLTech 38,000 करोड़ देख सकते हैं इसके पास रिजर्व है, और इसका भी डेप्ट 0 है, और इसका पी रेशियो है 18। उसके बाद पांचवा है विप्रो 55,755 इतना करोड़ का कैश और सरप्लस है इस कंपनी के पास। तो हमने इसको ऑर्डर में नहीं लिया है कि जो कंपनियों के पास कैश और रिजर्व ज़्यादा हो तो उसको पहले लिख लेते हैं, नहीं, जो कंपनियों के बोनस देने का ज़्यादा चांसेस है उसे हमने ऊपर लिया है। उसके बाद जो L&T है, जैसे इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा बोनस देती है, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। तभी विप्रो के ऊपर डेप्ट भी है 5,027 करोड़ का, और इसका पी रेशियो देख सकते हैं 15 का। L&T 55,833 करोड़ का इसके पास कैश और रिजर्व है, और इसका पी रेशियो 18 है, और इसके पास डेप्ट जो है 25,885 इतना करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास, तक के डेप्ट बहुत ज़्यादा है L&T के पास। उसके बाद एक और कंपनी आती है टेक महिंद्रा, जो कि IT सेक्टर से है। टेक महिंद्रा इसके पास देख सकते हैं 23,648 इतना करोड़ का कैश और रिजर्व है टेक महिंद्रा के पास। वहीं डेप्ट कंपनी का बिल्कुल 0 है, और इसका जो पी रेशियो है 12 का है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट देखते हैं 26,507 करोड़ का इसके पास कैश और रिजर्व है, वहीं पी रेशियो इसका जो है 25 है मात्र। उसके बाद लुपिन 18,688 इतना कैश और रिजर्व है इस कंपनी के पास, वहीं इसका पी रेशियो 57 का है। उसके बाद जो दासमा कंपनी है वो है 15,246 करोड़ का इसके पास कैश और रिजर्व है, और 21 का पी है। तो समझ सकते हैं अतुल जैसी कंपनी के पास बहुत ही कैश रिच कंपनी है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब 15,148 करोड़ का इसके पास देख सकते हैं कैश और रिजर्व है, और
देखते हैं 1062 करोड़ का इसके पास में डेप्ट है रेड्डी के पास, तो ये बहुत ही मामूली डेप्ट है क्योंकि ये सब कंपनियों का जो सेल्स और टर्नओवर है काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्व भी 15,000 है, मतलब डेप्ट से रिजर्व भी इसका 15 टाइम्स है। उसके बाद पी रेशियो देखते हैं 23 का। उसके बाद 12वें नंबर पे हमारा अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा देखते हैं इसका जो कैश और रिजर्व है वह हमारा 13,044 इतना जो है हमारा इस कंपनी के पास कैश और रिजर्व है। और वहीं इसके पास डेप्ट जो है 3,730 करोड़ का और इसका जो पी रेशियो है 25 का। उसके बाद एसएससी सीमेंट इसके पास कैश और जो रिजर्व है वो है 15,871 इतना करोड़ का और इसके पास डेप्ट बिल्कुल जीरो है और इसका पी रेशियो जो है वो 18 का है। उसके बाद हमारा आता है एशियन पेंट, इसके पास जो कैश और रिजर्व है वो है 8,959 करोड़ का और इसका जो पी रेशियो है वो है 58 का। उसके बाद हमारा अगला है 15 नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका जो देख सकते हैं कैश और रिजर्व है वो है 12,832 करोड़ का और इसका जो पी रेशियो है 73 का। उसके बाद मदरसन सोमी, इसका जो कैश और रिजर्व है वो है 6,164 करोड़ का और इसका जो डेप्ट है वो है 1,419 करोड़ का और इसका जो पी रेशियो है वो है 34 का। उसके बाद हमारा आता है पीडीलाइट इंडस्ट्री, इसके पास जो कैश और रिजर्व है वो है 4,982 करोड़ का और इसका जो देख सकते हैं डेप्ट है बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनियां है। इसका जो मेन है फेविकॉल का बिजनेस, इसी तरह के जेम जो बनाने वाली ये कंपनियां हैं तो इसका भी कंपनियों का मोनोपोली बिजनेस है, मतलब इसके प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में है मार्केट में, तो ये भी कंपनियाँ काफ़ी अच्छी है और इसका पी रेशियो देखते हैं 59। जो भी अच्छी कंपनियां होगा उसका पी रेशियो आपको हाई ही मिलेंगे, कुछ कंपनियां अभी पी रेशियो काफ़ी नीचे आ चुका है तो आप उसे खरीद सकते हैं। उसके बाद हेवेल्स, एक वीडियो में हमने आपको हेवेल्स के बारे में बताया था किस प्रकार हेवेल्स ने मात्र 15 सालों में करोड़पति बना दिया है अपने इन्वेस्टर को, मतलब हेवेल्स इसका रिटर्न जो है पिछले 15 सालों का काफ़ी ज़्यादा है तो आप हेवेल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके पास कैश और बैंक बैलेंस रिजर्व के हैं जो है कुल मिलाकर के 5,349 करोड़ का और इसका पी रेशियो भी देख सकते हैं 48 का है। तो जो भी अच्छी कंपनियाँ होगा वो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे ही मिलेंगे, उसका वैल्यूएशन आपको बहुत ही कम मिलने की संभावना बहुत ही कम है। उसके बाद अगला है 19वां डाबर भी बेहतरीन कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर का देखिएगा पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 67 का देख सकते हैं और इसके पास जो कैश और रिजर्व है वो है 4,922 का। डाबर का देख सकते हैं पी रेशियो कितना है 67 का। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे चलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं 73 का। तो सारी जो एफएमसीजी कंपनी है उसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा ही देखने मिलेगा आपको। नीचे भी हमारी दो एफएमसीजी कंपनियां हैं, देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर, इसके पास भी रिजर्व जो है कैश जो है 5,110 करोड़ का है और इसका पी रेशियो देखते हैं 56 का। तो जो भी एफएमसीजी कंपनी है वो काफ़ी मतलब हाई पी रेशियो पर आपको मिल रहा है क्योंकि ये कंपनियों के जो बिजनेस होते हैं वो हर सिचुएशन में सब दिन चलने वाले होते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं पेंडेमिक सिचुएशन है, उसके बावजूद भी इन कंपनियों के सेल्स पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। उसके बाद 21वां है मैरिको के पास जो कैश और रिजर्व है 3,455 और इसका पी रेशियो 42। इतना कम कैश और रिजर्व है फिर भी हमने इस कंपनियों को क्यों शामिल किया है, क्योंकि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बोनस देने का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको बोनस मिल जाए या स्टॉक स्प्लिट हो जाए आपके लिए दोनों सेम है, आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ शेयर जैसे मल्टीप्लाई होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न उतना ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अगर आप बोनस के मैजिक को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जरूर देखें जिसमें हमने बोनस के मैजिक फार्मूला को बताया है। तो ये सारी कंपनियां थी जो आगे आने वाले समय में आपको बोनस दे सकती है। अगर आप बोनस देने वाली कंपनियों को सर्च करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं, मनी कंट्रोल का यूज कर सकते हैं उस पर जा करके, और आप ज़्यादा कैश और रिजर्व वाली कंपनियों को सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका पी रेशियो भी हाई होना चाहिए, मतलब उसके स्टॉक का वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई होना चाहिए क्योंकि जब स्टॉक
का प्राइस अप चला जाता है तो कंपनियां जो अपने बोनस इसलिए देती है कि स्टॉक का जो प्राइस है उसी रेशियो में कम हो जाने से सारे रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को बाय कर सके और उसमें लिक्विडिटी बढ़ सके। लिक्विडिटी होता है कि आराम से आप जब चाहें कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी होता है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कंपनियां फेस वैल्यू को स्प्लिट करती है, कभी बोनस देती है, तो ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कौन सी कंपनी आगे आने वाले समय में बोनस दे सकती है, इसमें से कुछ बेहतरीन कंपनियां आप चुन सकते हैं। आपका जो रिटेल इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए वो 10 स्टॉक का 15 स्टॉक का होना चाहिए। तो आपको इसमें से 10 से 15 जो बेहतरीन कंपनियां लगती है जो आगे आने वाले समय में 10 साल के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उन कंपनियों को आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी तरह का सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।